जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और जैसा पंकज मिश्रा, हमने आपको बताया कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी के दबिश में आ चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कल असल में जब ईडी का छापा पड़ा तो उस समय क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा हम आपको बताने वाले, पूरा एक्सक्लूसिव खबर है। आपको बताते चले कि जब ये ड्रामा हो रहा था सुबह 5 बजे ईडी जो है वो पहुंच चुकी थी, लेकिन उस समय मैंने आपको बताया था कि 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई है जिसमें हीरा भगत और भी कई ज्वेलर्स है और पत्थर खनन के जो लोग हैं, व्यापारी है, करीबन 13 से 14 जो है वो पत्थर खनन के व्यापारी है, उनके घर में छापा पड़ा। तो जब छापा पड़ा तो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, और एक जिनके घर में छापा पड़ा उन्होंने भी बताया, नाम नॉट डिस्क्लोज करने के शर्त पर, ये कहा कि हमने सुबह में जब मेरा नौकर नीचे गया तो पता चला कि ईडी आए हैं। और जब हम नीचे आए, हम मॉर्निंग वॉक जाने की तैयारी कर रहे थे और मॉर्निंग वॉक जाने के लिए निकलने वाले थे, तभी ईडी आ गया। और उसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। आपको बताते चले, कोई नींद में सोया हुआ था, पंकज मिश्रा के घर जब ईडी गई तो पंकज मिश्रा, कहा गया कि वो बाहर है असल में और 20 दिन बाद आएंगे। अभी 3 दिन पहले वो बाहर गए थे, लेकिन जैसा ईडी ने उनको उत्तराखंड की वादियों से पकड़ा है, इसके साथ ही अब जो और जो खबरें आ रही है कि अप्रैल से ही पंकज मिश्रा पर पैनी नज़र, बाज की नज़र ईडी की जो थी वो अप्रैल में टेंडर को लेकर कुछ विवाद हुआ था, वहीं से ईडी जो है एक एक हरकत पंकज मिश्रा की देख रही थी, उनकी एक एक चाल, उनकी एक एक बातें, हर बात। आपको बता दें, पंकज मिश्रा ने तो ये भी कहा था, आई एम वेट, ईडी जब आए ईडी के सवाल पर कहा था कि ईडी मेरे तक नहीं पहुंच सकती, और ईडी को चुनौती दी, और ईडी अगर मेरे पास आती है तो आई एम वेट, यानी कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ईडी कब आएगी मेरे पास। तो कहते ना, हमने पुकारा तुम चले आए, दिल से पुकारा हुआ जो दुआ होता है वो ईडी तक पहुंच गया, और ईडी जो है वो फाइनली इन तक पहुंची गई है। आपको बता दें, अभी इनके जो हीरा भगत है, इनके मित्र भी है और सहयोगी भी है, करीबी भी है पंकज मिश्रा के, उनके घर से करीबन 5 करोड़ कैश मिला है। और भी जांच जो है वो ऑलरेडी जारी है, बहुत दिनों से ईडी जो है एकदम शांत बैठी हुई थी, अब जो ईडी फॉर्म में आई है, अभी भी बहुत कुछ निकल के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट करोड़ों दस्तावेज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज हाथ लगे ईडी के। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यह है कि जब पूजा सिंघल के दस्तावेज और पूरे खंगाले गए थे व्हाट्सएप, तब इतने सारे लोगों, अधिकारी साहिबगंज के ही विभूति कुमार, इन सारे हॉट अधिकारियों को पकड़ा गया था, और बहुत सारी डिटेल निकल के सामने आई कि बात सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि विधायक तक पहुंच गई। देखना दिलचस्प हुआ कि अब पंकज मिश्रा और जितने 14 लोग हैं उनके घर से जो दस्तावेज बरामद हुआ है, जब उसका समीक्षा होगा, जब उसका डिटेल निकाला जाएगा, तो और कितने बड़े चेहरे, कितने बड़े नाम और कितनी बड़ी मछलियां निकलकर सामने आती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।